आज आपण आजिथ्रोमाइसिन ड्रग उपर कहूँ आपंथे आजिथ्रोमाइसिन गोटे एंटीबायोटिक जोटा कि यूज कराए एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी आल्सो एंड जोटा कि मैक्रोलाइट ग्रुप अच्छी जार मेकानिजम हूँ यहाँ बाइंड करे 23% ऑफ द 50S बैक्टीरियल राइबोसोम गोटे 50S बैक्टीरियल राइबोसोम सब यूनिट अच्छी तार 23S% बाइंड करे बाइंड करके इनहिबिट करे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके सेटा काम करता है। तो यही आजिथ्रोमाइसिन केमिति का अवेलेबल टैबलेट हिसाब से अवेलेबल अच्छी जमी आजिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम टैबलेट इंजेक्शन भी अवेलेबल अच्छी 500 मिलीग्राम इंजेक्शन ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन भी अवेलेबल अच्छी 1% तो आम जानवे तरह इंडिकेसन कौन इंडिकेसन हूँ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फारिंजाइटिस कान रे इन्फेक्शन हेपेटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जोटा कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन जमी माइकोबैक्टीरिया क्लामाइडिया ट्राकोमाटिस सब इन्फेक्शन में यूज करा जाए यार एंटीभायरल प्रॉपर्टी अच्छी जो रेस्पिरेटरी सिंसिकल वायरस काम करे और सार्स कोव जो कोविड-19 में यूज कर यह मध्य ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिगेटरेंस में भी यूज करा जाए एवं स्क्रब टाइफस नामक फीवर में भी यूज करा जाए। ठीक है स्क्रब टाइफस में यूज करा जाए तार डोज कौन एडल्ट डोज हूँ टैबलेट आजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम दिनक थोड़े लेखा 3 दिन कि 5 दिन और तार ड्यूरेशन आम बढ़े पार क्रोनिक इनफेक्शन जदि थी आहरी बहुत दिन दे पार हाँ अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन तो तार साइड इफेक्ट एडवर्स रिएक्शन कौन टर्सेट डी पंटिस हार्ट रे प्रोब्लेम होपे पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होपे हेपाटोटॉक्सिसिटी मैंने लिवर खराब होपे भूमि करपे डायरिया होपे स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम करपे गोटे स्किन इनफेक्शन टाइप स्किन रिएक्शन टाइप होपे तो कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन आम दबा ना ना जदि कौन पेसेंट एनाफाइलेसिस होता है एजिथ्रोमाइसिन दबा ना जहाँ स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम था दबा ना जो मैंने साइको एंटी साइकोटिक फास्ट सैचुरेशन फिमोजाइड ड्रग यूज करते हैं सामने को दबा मैंने आम यही ड्रग साइड इफेक्ट अच्छी से आमको यह ठीक भाव यूज करने को पड़ो गाइडलाइन गाइडलाइन हिसाब से यूज करने को पड़ो डिफरेंट डिजीज रे कौन डोज दि जाए से गाइडलाइन हिसाब से देवा पड़ो आउ केयरफुली देवा पड़ो मॉनिटरिंग कर धन्यवाद।